पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे उसमें मेनली फ्रंटियर और बाउंड्री वाले क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए थे लिखने के लिए इसका मॉडल आंसर है और इस मॉडल आंसर के ज़रिए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है दूसरी चीज़ ये जो मॉडल आंसर हैं जो हम लोग इस एट पी वाली सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं केवल और केवल अगर आप इस मॉडल आंसर को ही सारे जितने भी मॉडल आंसर्स हैं पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अगर आप यही केवल याद करके चले जाइए टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए सो so, ये भी अपने आप में मोर देन सफिशियंट होगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन 2024 तो इसको बहुत ही सीरियसली करिएगा इनफैक्ट ईयर क्वेश्चन के ही माध्यम से आपको ज्यादा बेटर तरीके से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा कि कैसे इसको हमें हैंडल करना है अब पहला जो क्वेश्चन था डिस्कस द जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुछ लोगों ने आप में से आंसर लिखे हैं इनफैक्ट एक आंसर बहुत अच्छा लगा है उसको इनफैक्ट यहाँ पर इंक्लूड भी किया गया अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे इसे अब शुरू में आपको बताना है जेनेरिक क्लासिफिकेशन तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जेनेरिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ बाउंड्री इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप दैट अ बाउंड्री लाइन हैड शेयर्ड विथ द सराउंडिंग कल्चरल लैंडस्केप एट द टाइम ऑफ इट्स डिमार्केशन अब इसके बाद से जोग्राफर का नाम लिख दिया गया है रिचर्ड हार्टशोन एंड विटल से इन दोनों लोगों ने जेनरिक क्लासिफिकेशन ऑफ द बाउंड्री पर काम किया था फिर एक फ्लोचार्ट बना दिया गया है कि ये जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है किस चीज़ पर ये डिपेंडेंट होती है तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है जैसे एंटीसीडेंट सबसीक्वेंट सिक्वेंट सुपर इम्पोज एंड रेलिक बाउंड्री एक से एग्जाम्पल लिए दिए गए और उसके बाद से इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि एंटीसीडेंट बाउंड्री क्या होती है सबसीक्वेंट क्या होती है सुपर इम्पोज क्या होती है और रेलिक बाउंड्री क्या होती है अब चूंकि यहां पर पूछा गया है कि मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज से कैसे डिफरेंट है different, तो पहले मैं यहां पर बता दूंगा कि मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज़ क्या होती हैं सो मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्री की यहां पर डेफिनेशन लिख दी गई है कि दीज आर दोज दैट वर ड्रॉन सम कंस्पीकुअस फीचर ऑफ द फिजिकल लैंडस्केप दीज बाउंड्रीज़ फॉलो सम नेचुरल फीचर ऑफ़ फ़िजिकल लैंडस्केप दे आर समटाइम्स रिफॉर्ड एज नेचुरल बाउंड्रीज़ दे फॉलो सर्टन ज्योमेट्रिक लाइन्स और द डिवीजन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर चार तरीके के बाउंड्री हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है माउंटेन बाउंड्री के तौर पर या रिवर एज इंटरनेशनल बाउंड्री जो बाउंड्री इन लेक एंड स्ट्रेट एंड फॉरेस्ट स्वैम्प एंड डिजर्ट के फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं अब यहाँ पर सवाल था कि कैसे ये जेनेटिक क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है तो यहाँ पर पॉइंट लिख दिए गए हैं कि जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन जैसे होती है वो नेचुरल और कल्चरल दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर के चलती है जबकि जो मॉर्फोलॉजिकल होती है मेनली ये फिजिकल बैरियर को ही कंसीडर करती है जेनेटिक क्लासिफिकेशन के पास में एक सेपरेशन होती है यहाँ पर कल्चर को वो साथ में लेकर के भी चल सकती है और साथ में ये सेपरेट भी कर सकती है लेकिन वही मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो यहाँ पर मेनली होती है फिजिकल बैरियर इनफैक्ट फिजिकल बैरियर को अगर आप देखेंगे तो इट इट्स इज़ यू कैन से डिवीजन अमंग द कल्चर जेनेटिक क्लासिफिकेशन कैन बी एरियाज़ विच मे बी हैबिटेबल कैन बी इन अ फॉर्मेट ऑफ फ्रंटियर और बाउंड्री जबकि जो मॉर्फोलॉजिकल होती है ये नॉन हैबिटेबल होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए ये सर्वाइवल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करके इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं वही मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये नेचुरल बैरियर के तौर पर ही मेनली होते हैं बाद में एक कंक्लूजन लिख दिया गया है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री एंड डिमार्केशन होती है हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट इज वाई सेवरल मेथडोलॉजीज आर बींग यूज टू डिमारकेट द बाउंड्री दूसरा क्वेश्चन है लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर को लेकर के कि आखिर में क्या लॉज होते हैं डिस्क्राइब करना है यू कैन सिंपली स्टार्ट बाई डिफाइनिंग फ्रंटियर एंड बाउंड्री और यहाँ पर भी यही काम किया गया है फ्रंटियर और बाउंड्री को पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है डिफाइन कर दिया गया है कि फ्रंटियर क्या होते हैं बाउंड्रीज क्या होते हैं फिर उसके बाद से यहाँ पर कुछ जोग्राफर के नाम लिख दिए गए हैं जैसे राइड जेल जैलन हॉशफर हार्ट शोन की थ्योरी हो गई विटल से की थ्योरी हो गई फिर इसके अलावा कुछ लॉज भी होते हैं जो कि इस पॉलिटिकल बाउंड्री को बनाने में योगदान देते हैं जैसे कोर पेरीफेरी ऑर्गेनिज्मिक ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी अब यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है कोर पेरीफेरी क्या है ऑर्गेनिज्मिक क्या है ब्रिटिश इंपीरियल क्या है और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है अब कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी चूंकि आज की डेट में अगर देखें तो यही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इनफैक्ट यही एक प्रोमिनेंट ही है तो अब यहाँ पर हमें देखने होंगे कि वो कौन कौन से लॉज होंगे जो इस कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी के बेसिस पर हमें देखने को मिलते हैं तो नॉर्मली जब भी बाउंड्री डिवीजन करते हैं हम लोग तो यहां पर एथनिसिटी लैंग्वेज रिलीजन फिजिकल फीचर इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है इनफैक्ट जो बाउंड्रीज होती है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जैसे कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंसिव फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन स्टेट जूरिस्डिक्शन लीगल फंक्शन सॉवरैनिटी नेशनलिज्म कॉमर्शियल फंक्शन एक्सेट्रा अब यहां पर एक एग्जाम्पल के बेसिस पर दिखा सकते हैं जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है यहां पर सारी कम मतलब एक ग्लोबल ऑर्डर बना करके रखा गया है कि कोई भी कंट्री इस पर अपना सॉवरानिटी क्लेम नहीं करेगी क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है हालांकि ये सबके लिए ओपन कर दिया गया है कि दे कैन ओपन देयर रिसर्च स्टेशन सिमिलरली इसी तरीके से ओशन वाटर ओशियन बॉटम ये सब भी ओपन कर दिया गया है कि सभी लोग यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं बट किसी भी कंट्री की ये टेरिटरी या किसी भी कंट्री की सॉवरानिटी ओपन ओशन वाटर पे नहीं रहेगी सो so, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ और फ्रंटियर्स होते हैं एक लिविंग स्पेस के तौर पे होते हैं जैसा कि रेडजेल और हॉशफ़र ने बोला था लेकिन उसी समय इनफैक्ट हमें एक कल्चर ऑफ वॉर फॉर लैंड भी देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सॉवरानिटी को हमेशा चैलेंज करते रहती है तो यहाँ पर मेन जो सवाल था वो यही था कि लॉ ऑफ जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है वो क्या क्या है तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं और इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेड इंपॉर्टेंट इन जियो पॉलिटिक्स एक्सप्लेन वॉट इशूज डेवलप फ्रॉम द इंक्लूजनरी एंड एक्सक्लूजनरी एस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर्स अब देखिए सबसे पहले तो यही है कि आप बाउंड्री को डिफाइन कर लीजिए कि बाउंड्री की डिफिनीशन क्या है अब इसके बाद से कुछ जोग्राफ़र के नाम लिख देंगे क्या क्या इन लोगों ने अपनी आ, मतलब क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो अभी तक हम लोगों ने लिखा फिर उसके बाद से बाउंड्री को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर बता देंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है जैसे ये स्टेट सॉब्रेनिटी नेशनलिज्म प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पावर जैसे कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन प्रोवाइड करता है स्टेट जूरिजिक्शन डिफेंस फंक्शन कॉमर्शियल ट्रेड एक्सप्लोरेशन फॉर रिसोर्स एंड कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है अब चूंकि बाउंड्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जियो में और वहीं दूसरी ओर जैलन रेड जेल हार्ड शोन इन सभी लोगों ने एक्सपेंशनरी नेचर ऑफ टेरिटरी के बारे में भी बात किया है और इसी कारण से फिर अल्टीमेटली एक इश्यूज निकल करके आ जाते हैं जो बाउंड्री से रिलेटेड हैं अब यहाँ पर जो इश्यूज है उनको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं इंक्लूजनरी और एक्सक्लूजनरी अब इन दोनों का यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना करके दिखा दिया गया है कि कौन कौन से यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है जैसे बाउंड्री के एस्पेक्ट के बारे में बात करें इंक्लूजनरी यानी कि जो इंक्लूड करते हैं तो इंक्लूड करने के लिए अब एक ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी हमें देखने को मिल जाती है लोगों की एक अपने ज़मीन अपने टेरिटरी अपने कंट्री के प्रति एक लगाव हो जाता है पैट्रियाटिज़म होती है सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी आ जाती है इसके अलावा एक कॉमन कल्चर एक कॉमन लैंग्वेज एथनीसिटी सिंबल प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें भी प्रपाउंड की जाती हैं हार्डसोन ने इस चीज़ को बताया भी था इसके अलावा ट्रेड हो गया एक्सप्लोरेशन हो गया राइट ओवर रिसोर्स हो गया ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती हैं इसके अलावा एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल्स भी होते हैं क्या क्या हैं जैसे एथनिक टेंशन होती है चूँकि बाउंड्री कई बार क्या होता है कि सेम एथनीसिटी को कई बार डिवाइड भी कर जाती है या फिर डिफरेंट एथनीसिटी के लोग एक ही टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं तो इन दोनों लोगों के बीच में आपस में टेंशन देखने को मिल जाती है इसके अलावा आइसोलेशनलिज्म हो गया नेशनलिज्म हो गया ट्रेड बैरियर्स हो गए माइग्रेशन बैरियर्स हो गए ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करती हैं चीज़ों को तो यहां से अल्टीमेटली कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बाउंड्री गिव इंक्लूजन एज वेल एज एक्सक्लूजनरी एस्पेक्ट्स अब एक और क्वेश्चन है कि बाउंड्री एंड फ्रंटियर हैव डिफरेंट मीनिंग इन ज्योग्राफिकल लिटरेचर तो बाउंड्री एंड फ्रंटियर आर द कंसेप्ट दैट डिफाइन द नेचर ऑफ पोलिटिकल बॉर्डर्स एंड पोलिटिकल लिमिट्स ऑन स्टेट जो ज्योग्राफिकल लिटरेचर जो ज्योग्राफर्स हैं इन लोगों ने भी अपनी अपनी थ्यूरीज और मॉडल्स दिए हैं जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है देख रखा है अब इन दोनों के बेस की बेसिक डिफरेंस आपने यहां पर बता दी या हम लोगों ने जो मटेरियल डिस्कस किया था सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं तो कुछ अलग से डिस्कस करने का खास मतलब नहीं है आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा अब यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया गया है कि बाउंड्री क्लासिफिकेशन कौन से हैं जेनेटिक ज्योमेट्रिक मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरली इसी तरीके से कोर पेरीफेरी ऑर्गेनिजमिक ब्रिटिश इंपीरियल थ्यूरी कॉन्ट्रैक्चुअल एटसेट्रा एटसेट्रा अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट के बारे में अगर बात किया जाए बाउंड्री और फ्रंटियर को लेकर के तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट को अगर देखें तो बाउंड्री की जो रिलीवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और वही फ्रंटियर की देखें तो रिलेटिवली थोड़ी सी कम है बाउंड्रीज की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सॉवरनिटी का एक लिमिट प्रोवाइड करता है टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन देता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड होती है लॉज होते हैं पॉलिटिकल सॉवरनिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट लॉज सोशल लॉज ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीज़ें बाउंड्री के द्वारा ही अल्टीमेटली डेवलप होती हैं अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो मोस्टली जितने भी फ्रंटियर्स हैं ये बाउंड्री के द्वारा रिप्लेस किए जा चुके हैं उसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है लैंड की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है रिसोर्सेज उतने नहीं है इसलिए रिसोर्स की खोज में भी लोग आगे बढ़ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एग्रीकल्चरल एंड कॉमर्शियल प्रैक्टिसज इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस कारण से अल्टीमेटली जो फ्रंटियर्स हैं वो अब धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं एक और रीज़न जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं वो है सिक्योरिटी कंसर्न क्योंकि जो फ्रंटियर एरिया है नॉर्मली जो फ्रंटियर एरिया होते हैं वहाँ पर हमें इलीगल एक्टिविटीज़ टनलिंग ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो यहाँ पर भी अगर हम पूरी तरीके से इसको बाउंड्री में अगर तब्दील कर देंगे तो फिर हमारा जो बॉर्डर होगा वो भी सिक्योर हो जाएगा हालांकि अगर फ्रंटियर को देखें तो दे आर लेस रिलिवेंट बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है अब ये जो एग्जिस्ट करता है वो लेस डेवलप्ड इलाके में देखने को मिलता है जो कि कोर से जो पेरीफेरी जिसकी लूजली कनेक्टेड है वहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाता है जैसे अफ्रीकन कंट्री में नॉर्मली हमें फ्रंटियर देखने को मिलता है इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर भी हमें सेम फ्रंटियर देखने को मिल जाता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए अंटार्कटिका में सेम इसी तरीके का हम लोगों ने एक बफर जोन या फ्रंटियर जो भी बोलना चाहे बना करके रखा हुआ है तो इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रंटियर और बाउंड्री दोनों ही अपनी जगह रेलिवेंट है बट दोनों का जो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग है तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया एक क्वेश्चन श्रीनी ने लिखा हुआ है और काफी अच्छा मुझे लगा एंड इट इज काइंड ऑफ यू कैन से मॉडल आंसर यू गया अब जैसे यहां पर क्वेश्चन था कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द फ्रंटियर हैव बिन रिप्लेस्ड बाई बाउंड्रीज एक्सप्लेन द रीजन फ्रंटियर इज अ नेचुरल कंसेप्ट विच इज डिमार्केड बाई जियोग्राफिकल रीजन वाइल बाउंड्री इज अ लाइन इस्टैब्लिड बाई लॉ ट्रीटी और रिकॉर्ड जैसा कि यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख दी गई है अब यहां पर दिखाया गया है कि कोई चीज रेलिवेंट है या इनरेलीवेंट है वो क्यों है तो उसके पीछे की कॉलोनियल हिस्ट्री रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेटलमेंट सिक्योरिटी कंसर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाटर डिस्प्यूट इनफैक्ट अभी हम लोगों ने जस्ट एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि फ्रंट प्रेजेंट कंटेक्सट या फिर प्रेजेंट रिलेवेंस ऑफ फ्रंटियर एंड बाउंड्री वही चीज़ यहाँ पर भी है तो कॉलोनियल हिस्ट्री के थ्रू हमें यहाँ पर बाउंड्री और फ्रंटियर का एक जो कॉम्बिनेशन है या फिर बोल सकते हैं एक जो सीक्वेंस है वो देखने को मिल जाता है रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर में सेम इसी तरीके से देखने को मिल जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेटलमेंट सिक्योरिटी कंसर्न जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि जो फ्रंटियर होते हैं वहाँ पर हमें इलीगल एक्टिविटीज़ और जितने भी टनलिंग वगैरह होती है वो करने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रखी हैं तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली यहाँ पर इन्होंने कंक्लूड किया है कि कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रंटियर टू बाउंड्री इज़ द नीड ऑफ टाइम एंड हुज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट आर बींग सीन तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिखा गया है अब देखिए हालांकि हम लोगों को जो डिस्कस करना था वो हमारा आज डिस्कशन था पॉलिटिकल थ्योरीज जितने भी हैं जैसे अल्फ्रेड uh, महान की थ्योरी हो गई या रिमलैंड की थ्योरी हो गई या हॉटलैंड की थ्योरी हो गई बट uh, आज थोड़ा सा मुझे uh, निकलना है और इस वजह से क्लास आप लोगों की इसी वजह से रिकॉर्डेड भी बनी हुई है कल से आप लोगों की क्लास uh, जैसे होती है वैसे ही होना शुरू हो जाएगी और जैसे टाइम पर होती है वैसे ही होगी उतने ही टाइम पर होगी लेकिन फिर भी आप लोग एक काम करिएगा ये जो क्वेश्चनस हैं रिलेटेड विद द पॉलिटिकल थ्योरी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और इसको आ, हम लोग कल डिस्कस भी करेंगे देखिए अगेन वही चीज़ है कि आप अपने जो नोट्स है उसको रिवाइज़ किए रहेंगे तो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अब जैसे हॉटलैंड एंड रिमलैंड की एक क्वेश्चन है कि शुरू में तो अच्छा आज ही का देखते हैं हम ट्वेंटी ट्वेंटी में बोला गया है डिस्कस हाउ एंड वाई मकांडर मॉडिफाई हिज कंसेप्ट ऑफ यू वॉटल एरिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2019 में रिलिवेंस ऑफ रिमलैंड थ्योरी के बारे में है हॉट थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन कर रही है फिर से 2017 का क्वेश्चन है हॉट थ्योरी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तो ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ बेसिक हैं कुछ उसके प्रेजेंट कंटेक्सट को लेकर के हैं और दिखाया जा रहा है कि कैसे थ्योरीज समय समय पर धीरे धीरे उजागर होती रहती हैं तो ये क्वेश्चन होंगे जिसको आप लोग लिखिएगा प्रैक्टिस करिएगा और अगेन फिर से मैं यही कहूँगा कि ये जो मॉडल आंसर्स हैं ये जो पास ईयर के क्वेश्चन हैं इनको केवल आप याद करके चले जाइए चूँकि टाइम कम है जो लोग भी मेस देने जा रहे हैं तो वो लोग अगर केवल और केवल इन पास्ट ईयर क्वेश्चन के जो मॉडल आंसर हैं इन्हीं को याद कर ले जाएंगे तो भी काफ़ी कुछ हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर जाएंगे तो कोई डाउट रहेगा तो फिर डाउट को पूछ लीजिएगा बाकी कल से तो हम लोग रहेंगे ही लाइव तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी इसके अलावा टू एक्सेस द वीडियोज स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ एंड आंसर्स टू द मॉडल मॉडल आंसर्स ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चन यू कैन टेक मेंबरशिप शॉर्ट नोट 799 की मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तिलजंड गुड बाय थैंक यू सो मच बाय बाय